एम आकाश और मैं आपको बताऊंगा कुछ टॉप फोन के बारे में जिसमें आप गेमिंग का यूज कर सकते हैं, साथ में आप कोई भी जैसे कि मल्टीमीडिया का आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको कुछ फोन बताऊंगा, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीवो V23 5G फोन के बारे में, तो इस फोन में आपको 8GB का रैम देखने को मिलता है एंड जिसमें आपको जो कि ओक्टा का कोर देखने को मिल जाता है। जिसकी डिस्प्ले साइज की बात करें जिसमें आपको डिस्प्ले साइज में आपको 6.44 इंच का डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है। जिसमें आपको इमेज रेशियो की बात करें जिसमें आपको 1080x2400 पिक्सल का इसमें इमेज रेशियो देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसकी रिफ्रेश रेट की, रिफ्रेश रेट में आपको 98Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जिसमें आपको विजुअल डिस्प्ले भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आपका ट्रिपल कैमरा आपको 80MP यानी कि आपको 64MP 8MP और 2MP का इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को इस फोन के अंदर मिल जाता है। बात करते हैं इसमें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में आपको 50MP और 8MP का इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसकी, जिसमें आपको ड्यूल आपको देखने का LD देखने को मिल जाता है इसमें, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड बात करते हैं इसमें बैटरी की, तो बैटरी में आपको 4200mAh का बैटरी भी प्रोवाइड किया जाता है, साथ में आपको 44W का फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड इसके स्टोरेज की बात करें तो इंटरनल स्टोरेज में आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज भी प्रोवाइड किया जाता है इस फोन के अंदर। और इसके जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर है आपको ऑप्टिकल जो है आपको 1 स्क्रीन साइज है, ठीक है, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं। बात करते हैं अदर फीचर की, तो अदर फीचर में इसमें आपको 2 SIM देखने को मिलेगा, जो कि दोनों आपका नैनो का आपको दोनों सिम होने वाला है, जो कि G SIM आपका इस फोन के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट फोन की, तो नेक्स्ट टॉप का है। बात करते हैं ओप्पो रेनो 7 फोन की, तो ये फोन भी आपको 30,000 तक यानी कि 30,000 तक देखने को मिलेगा, जो कि ये फोन आपका पड़ जाएगा। इसमें आपको 8GB का रैम प्रोवाइड किया जाता है। एंड जिसकी बात करते हैं डिस्प्ले साइज की, तो डिस्प्ले साइज में आपको 6.3 इंच का इसमें आपको डिस्प्ले साइज देखने को मिलेगा, 6.43 इंच का डिस्प्ले साइज, जो कि 16.33 का इसमें आपको डिस्प्ले साइज भी देखने को मिलता है इस फोन के अंदर। बात करते हैं अदर फीचर की, तो अदर फीचर में इसका जो कि इमेज रेशियो है आपका 1080x2400 आपको इसमें पिक्सल देखने को मिलता है। इसकी रिफ्रेश रेट जो है आपको 98Hz का देखने को मिल जाता है, जो कि ग्लोरा का ग्लास आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसकी बेजलेस डिस्प्ले भी जो कि 5 वोल्ट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। कैमरा की बात करते हैं इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आपका मिल जाता है 64MP 8MP और 2MP का इसमें आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। ये सारा जितना मैंने फोन बताया 30,000 तक है ये फोन, ठीक है। तो बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा आपको 32W का यानी 32MP का फ्रंट कैमरा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करते हैं इसमें आपको जो बैटरी है वो आपको 4500mAh का बैटरी प्रोवाइड किया जाता है, साथ में आपको 65W का फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको USB Type-C पोर्ट देखने को मिलता है। एंड इसकी स्टोरेज की बात करते हैं इसमें आपको 256GB का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलता है। एंड इसकी प्राइस जो है आपको 29,000 तक देखने को मिलेगा, जो कि एक बेस्ट फोन है, अगर परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट फोन की, तो नेक्स्ट टॉप का है। बात करते हैं Xiaomi Mi जो कि आपका 11i हाइपर चार्ज फोन जो है उसके बारे में, तो इसमें आपको 8GB का रैम यानी कि 6GB का रैम देखने को मिल जाता है। इसकी डिस्प्ले साइज की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। एंड इसकी इमेज रेशियो जो है आपको 1080x2400 का इसमें आपको इमेज रेशियो भी देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसकी, गोरिल्ला का ग्लास आपको जेड प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसमें आपको बेजलेस डिस्प्ले भी जो कि 5 वोल्ट डिस्प्ले है, जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 108MP 8MP और 2MP का इसमें आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा जो है आपको फ्रंट कैमरा में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 45W यानी कि 4500mAh का बैटरी भी प्रोवाइड किया जाता है, साथ में आपको 120W का फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि
बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है जो कि 128 GB का इंटरनल स्टोरेज इस फ़ोन के अंदर देखने को आपको मिल जाता है। एंड इसमें आपको 2 SIM भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपको 2 SIM है जो कि आपको देखने को मिल जाता है। ये सारा फीचर इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड जिसकी प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन आपको 26,000 तक देखने को मिलेगा जो कि एक बेस्ट फ़ोन है। अगर आपको जो भी फ़ोन अच्छा लगे आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट फ़ोन की, तो नेक्स्ट आपका है, बात करते हैं सोमी MI11i फ़ोन के बारे में। तो इस फ़ोन में आपको 8 GB का रैम और इसकी डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इमेज रेशियो की बात करें तो इसमें आपको 1080x2400 पिक्सल का इसमें आपको रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। जिसमें आपको रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 यानी कि HZ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। जिसमें आपको बेजल डिस्प्ले भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ में आपको 53 कैमरा जो है इस फ़ोन के अंदर प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपको इसमें देखने को मिल जाता है। 108 MP, 8 MP, 2 MP का इसमें आपको कैमरा भी देखने को मिल जाता है। साथ में आपको 16 MP का वाइड एंगल कैमरा लेंस देखने को मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर। और बैटरी की बात करें तो इसमें आपको जो बैटरी है वो आपको प्रोवाइड की जाती है 5107 mAh का। और साथ में आपको 67 W का फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड की जाती है जिसमें आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज भी प्रोवाइड की जाती है। यह फ़ोन की प्राइस की बात करें तो आपको 26,27,000 तक देखने को मिल जाएगा जो कि एक बेस्ट फोन होती है। ये तो आपके 30,000 तक यानी 30,000 के अंदर का ये सारे फ़ोन। तो आई होप ये अच्छा लगा। तो ये था आज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।